किंतु उसके परिणाम स्वरूप एक और समस्या उत्पन्न हुई है। ये कैसे तय होगा कि मैं आप दोनों में से किससे विवाह करूंगा? किसी एक से नहीं पुत्र, तुम्हारा विवाह दोनों से होगा। क्या? ये तो विधि के विधान के अनुसार है पुत्र। तुलसी का शाप तुम्हें स्मरण है ना पुत्र? मेरे पावन प्रेम, मेरे अंतरंग स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अनुभव करने के लिए तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं दो विवाह करने होंगे, अपितु एक नहीं दो विवाह करने होंगे। प्रभु ने तो बिना कुछ कहे ही अपनी हाँ का संकेत दे दिया। हे प्रभु, हे माहेश्वरी, क्या आप भी मेरी पुत्रियों को गणेश जी की वधुओं और आपकी पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करते हैं? सहर्ष स्वीकार करते हैं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी। धन्यवाद प्रभु। बधाई हो गणेश जी, आपको अनेकों अनेकों बधाइयां। धनंजय जी, आपके विवाह में मैं बहुत नाचूंगा। मैं शगुन लेकर आती हूँ। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने होने वाले जमाई श्री गणेश जी को शगुन भेंट करना चाहता हूं। शुभता के इस पल में किस अशुभ का आभास हुआ मुझे? कृपा व्यर्थ नहीं जाएगी। नरकासुर असंभव को संभव बनाएगा, नरकासुर असंभव को संभव बनाएगा। देवताओं को धूल चटाऊंगा और स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित करूंगा।
ये कैसा अंधकार छा रहा है स्वर्ग पर? ये तो उसके आगमन का संकेत लगता है, जो पहुंचता बाद में है, किंतु उसका प्रकोप पहले दिखाई दे जाता है, अर्थात संकट। सावधान देवगण। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी कहाँ हैं? स्वर्ग को उनकी आवश्यकता है, हमें शीघ्र स्वर्ग के सुरक्षा घेरे का निर्माण करना होगा। प्रभु, माहेश्वरी, अब मुझे आज्ञा दें, कल मैं विवाह की तिथि तय करवाने देवगुरु बृहस्पति के साथ लौटूंगा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश के विवाह की तिथि का तय होना कोई साधारण घटना नहीं है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति ही नहीं अपितु देवराज इंद्र सहित अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाए। उचित है प्रभु, मैं स्वयं सभी देवताओं को आमंत्रित करूंगा। कुछ तो अवश्य हुआ है जिसके कारण माँ चिंतित हैं। मुझे उनकी चिंता का कारण ज्ञात करना होगा। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी का कर्तव्य ही सर्वोपरि, उन्हें यहां होना चाहिए, प्रसन्नता के इन पलों में भी। देवराज, प्रणाम देवगण। प्रसन्नता की तो बात है देवराज, पार्वती नंदन गणेश जी, माता पार्वती और जगत पिता महादेव ने मेरी पुत्रियों को स्वीकार कर लिया है। कल गणेश जी के विवाह की तिथि निकलवाने हम सभी कैलाश पे आमंत्रित हैं। देव गुरु बृहस्पति जी, स्वयं महादेव ने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा है। ये तो अत्यंत सुखद समाचार है देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, किंतु इस समय स्वर्ग पर संकट छाया है और उसकी सुरक्षा हेतु हमें सुरक्षा घेरे का निर्माण करना होगा, और वो केवल आप ही द्वारा संभव। क्षमा चाहूंगा इंद्रदेव, मैं अपने आनंद में इतना खो गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आप सब इतने तनाव में क्यों हैं, क्या संकट छाया है इंद्रलोक पर। एक शाप मेरे विवाह का मुख्य कारण कैसे बन सकता है माँ? तो ये है तुम्हारे मन में, होनी अपने होने का मार्ग ढूंढ ही लेती है, वो शाप तो बस निमित है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि से तुम्हारा विवाह होना नियति है। और ऐसा क्यों है इसका उत्तर तो तुम्हें प्रभु महागणाधिपति से ही मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि वो तुम्हारे मन का संशय दूर कर देंगे। माँ, मेरी चिंता दूर होने का उपाय तो आपने बता दिया, किंतु आपकी चिंता का क्या कारण है? समय के साथ वो भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा पुत्र। आप चिंता मत कीजिए, कैलाश जाने से पूर्व एक ऐसे सुरक्षा घेरे का निर्माण करूंगा जिससे स्वर्ग की सुरक्षा सुदृढ़ हो जाए और शत्रु का बल विफल हो जाए। हे विश्वकर्मा जी, उसके बाहुबल की हमें कोई चिंता नहीं है, चिंता है उस शक्ति की जो उसने प्राप्त की है। तो मैं कैलाश जाकर तिथि निकालने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन भी कर सकता हूँ। नहीं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, ये उचित नहीं। एक दुष्ट और अधर्मी के कारण हम एक मंगल कार्य में विलंब करें, यह हमारी पराजय है, यह करना उचित नहीं होगा।
पूरी दृढ़ता से हम उसका सामना करेंगे और युद्ध के बिना किसी भी पड़ाव पर हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं अपना कार्य अभी आरंभ करता हूं। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आपने अपना कार्य पूर्ण किया। कोई साधारण असुर आपके बनाए सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पाता। इस असाधारण असुर से हमें सावधान रहना होगा, इसलिए आप आगे बढ़िए। इस असुर को लौटने पर विवश करने के पश्चात ही हम सभी कैलाश पहुंचेंगे। हे परम ब्रह्म महागणाधिपति जी, किसी भी कार्य का आरंभ किसी भी प्रकार की दुविधा के साथ कभी नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे दर्शन देकर मेरी दुविधा को मिटाने में मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु महागणाधिपति जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय गरुड़ाय ते नमः। विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे सत्प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। प्रणाम प्रभु, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या हुआ गणेश, शांत क्यों हो गए? यही मेरे पूर्ण दर्शन है, देवी रिद्धि और देवी सिद्धि। महागणाधिपति अर्थात मेरी शक्ति तत्व है, इनसे ही मैं संपूर्ण होता हूँ, जैसे तुम होगे। जब तुम्हारा विवाह देवी रिद्धि और सिद्धि से संपन्न होगा, देवी रिद्धि मुझे ऐश्वर्य और शक्ति प्रदान करती है और देवी सिद्धि उस शक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। गणेश, ये तो तुम जानते ही हो, ज्ञान, कला या शक्ति सिद्ध होने पर ही हमारे लिए कारगर बनते हैं। इसलिए रिद्धि बिना सिद्धि नहीं और सिद्धि बिना रिद्धि नहीं, और जब दोनों मिलते हैं तो बनती है बुद्धि। तो शाप नहीं, मुझे इस कारणवश रिद्धि सिद्धि दोनों से विवाह करना है। तुम मेरे अंश हो गणेश, और देव शिल्पी विश्वकर्मा पुत्रियां रिद्धि सिद्धि मेरी पत्नियां अर्थात मेरी शक्ति की अवतार हैं। तुम्हें पूर्णता पाने के लिए उनसे निसंकोच विवाह करना चाहिए। उचित है प्रभु, मेरी दुविधा दूर करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो गणेश। किंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये इतना सरल नहीं होगा। विघ्नहर्ता के विवाह में विघ्न भी आएंगे।
देवगुरु बृहस्पति जी, समस्त अतिथि आ गए हैं किंतु देवतागण अभी तक उपस्थित नहीं हुए। देवराज इंद्र ने वचन दिया था कि वो सभी देवताओं को लेकर अवश्य आएंगे। देवगण आते ही होंगे प्रभु। कहीं उस दुष्ट नरकासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण के लिए आज का दिन ही तो नहीं चुन लिया। समझा, बिना बताए आ गया ना यहाँ पे। लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। और मुझे कहीं जाने के लिए किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। और स्मरण रहे, कोई चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकता। ना ना ना, मैं नहीं रोकूंगा। पर हाँ, क्या मैं चाहूंगा वह तुम सभी को जाना हो। मेरे साथ, मेरी इच्छा से। कदाचित तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती नरकासुर। ओ, तो साहस का प्रदर्शन कर रहे हो तुम देवराज। मेरा सामना करना चाहते हो तो आओ करो सामना। तो मवेशियों को बांध कर उन्हें हाँकने की तैयारी कर रहे हैं। देखो देवगण, एक चरवाहा हमसे युद्ध करने के लिए आया है। युद्ध नहीं करूंगा, बस हाँक के तुम सभी को ले जाऊंगा यहां से। हमारी आज्ञा के बिना आप कहां जा रहे हैं वायुदेव? तुम वायु को ऐसे बांध कर नहीं रख सकते नरकासुर। पर एक बकरी को तो बांध के रख सकता हूं ना। वायुदेव, बस नरकासुर। बहुत हुई तुम्हारी उद्दंडता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अग्नि देव की अग्नि तुझे भस्म करेगी नरकासुर। वरुण देव के जल प्रवाह से तू बच नहीं सकेगा नरकासुर। गणेश, जो उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके अनुसार देवता उसका सामना नहीं कर सकते। तब मुझे उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। बस हो गया संतोष,
या अभी और कोई देवता भी है जो अपना पराक्रम दिखाना चाहता है? सूर्य देव की किरणों से कोई बच नहीं सका मूर्ख। मेरे तेज से तुम्हारे जैसे अहंकारियों का अहंकार पल भर में भस्म हो जाता है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओ, इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इंद्र, अब तुम्हारी बारी। क्या हो तुम? भेड़, एक कायर हीरो भेड़। अब ये स्वर्ग भी मेरा हुआ और यहाँ के देवता भी। यहाँ तो कोई भी देवता दिखाई नहीं दे रहे और संपूर्ण स्वर्ग लोक पर अंधकार ही अंधकार छाया है। इतना शक्तिशाली कैसे है ये नरकासुर? कौन है ये नरकासुर? कौन है? क्या है? अब इस संसार को पता चलेगा। इस अंधकार में ही देवताओं का संकेत छिपा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले तो ये जानना आवश्यक है। देवराज का ऐसा अपमान तो कदापि उचित नहीं। इतना शक्तिशाली असुर है ये नरकासुर। क्या है उसकी शक्ति का रहस्य और कहां ले गया है वो देवताओं को? अंततः मेरे अधीन हो गए ये देवता भी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, तुम्हारी आवाज से ना मेरे कान पक जाते, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं क्या करता, देखो तुमने मुझे विवश कर दिया। ना 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 देवराज जी, यूं निमिया कर मुक्त करने की भिक्षा मांगने का भी अवसर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए भी समय खत्म हो चुका है। बहुत देर हो गई मुझे। नरकासुर तो पहले ही देवताओं और स्वर्ग लोक को अपनी अंधकारी माया में बांध चुका है। कष्ट तो बढ़ेगा, नरकासुर के बंदी बने हो, कष्ट कैसे नहीं बढ़ेगा? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं, ये रस्सियां साधारण रस्सियां नहीं, ये मंत्रित मायावी रस्सियां हैं जो कि हर घंटे छोटी छोटी होती जाएंगी और ये फंदा तुम सबको कसता जाएगा। पता है ना, रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता। फंदा कसा नहीं कि तुम्हारे पुतले के टुकड़े बिखर जाएंगे। अब बस दया की भिक्षा मांगो, अब और कोई विकल्प नहीं है अहंकारी देवताओं। मांगो भिक्षा। माँ, प्रभु, यदि नरकासुर देवताओं पर इतना बड़ा महासंकट बनकर छाया है तो मुझे बताने की कृपा करें, वो है कौन, क्या है उसकी अपार शक्ति का स्रोत? पुत्र गणेश, उसे उसकी शक्ति
माँ कामाख्या देवी से प्राप्त हुई है, उन्हीं का परम भक्त है वो। माँ कामाख्या देवी? कामाख्ये काम संपने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम ते ही मे नित्यम कामेश्वरी नमुस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुवसिते करोमि दर्शनम देवना सर्व कामार्थ सिद्धे। कामाख्या वर्दे देवी नील पर्वत वासनी तन देवी जगन माता योनि मुद्रे नमुस्तुते। सभी शक्ति पीठों में सर्वोच्च, सभी शक्ति पीठों की रानी है वो माता कामाख्या, इसलिए उनकी पीठ को स्वामिनी शक्ति पीठ कहा जाता है। माता सती ने जब महादेव का सम्मान करने के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भस्म करने के लिए जब उस यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति दे दी, तब सती के वियोग में महादेव उनकी देह को लेकर तांडव करने लगे, तो नारायण उन्हें शांत करने और जगत कल्याण की चेष्टा से देवी सती की देह को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित किया। फिर पृथ्वी पर जहां जहां देवी सती की देह के भाग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है माता का कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ, जहां माता का कटी प्रदेश अंग गिरा था। माता शक्ति के उसी अंग से माता कामाख्या देवी की उत्पत्ति हुई। रचनात् वक्ता, इच्छा और प्रजनन की देवी है माता कामाख्या। माता के गर्भ स्थान के समान होने के कारण ये शक्ति पीठ सभी शक्ति पीठों के केंद्र में है और माता कामाक्षी को सृष्टि माता के रूप में जाना जाता है। नरकासुर उन्हीं माता कामाख्या का भक्त है और वो उन्हीं की पूजा करता है। माता, आपकी कृपा मुझे कभी भी पराजित नहीं होने देगी, बस अपनी कृपा बनाए रखिए। देखिए ना, स्वर्ग ही नहीं बल्कि देवता भी मेरे अधीन है, वो भी पशुओं के पुतले में। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद माता। माता की कृपा से उनके शक्तिपीठ पर भक्तों को अद्भुत शक्तियां जैसे कि माया, मोहन, मारण, उच्चाटन जैसी शक्तियों में विशेष कृपा प्राप्त होती है। नरकासुर जैसे दुष्ट को माता से इन्हीं शक्तियों की कामना रहती है। नरकासुर जैसे दुष्ट ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च शक्तिपीठ पर यदि निस्वार्थ भावना से भक्ति की जाए तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, किंतु जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, वे मोक्ष की कामना करने के स्थान पर केवल चमत्कारी जादुई शक्तियों की विद्या को ही अर्जित करना चाहते हैं। उस दुष्ट नरकासुर ने अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं माता कामाख्या देवी से, इसीलिए सभी देवता उस दुष्ट के आगे विवश हैं। किंतु माता ने एक दुष्ट असुर पर अपनी कृपा की ही क्यों? जन्म से नरकासुर असुर नहीं, वो श्री हरि नारायण के अवतार का पुत्र है। श्री हरि नारायण का पुत्र आसुरी प्रवृत्ति रखता है, आश्चर्य। उसकी कथा श्री हरि नारायण के तीसरे अवतार से संबंधित है।
कैसे प्रभु? जब जब भूदेवी संकट में होती हैं, तब तब श्री हरि नारायण अधर्म और अनाचार का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। पर इस बार भूदेवी पर महासंकट बनकर छाया था। ऋषि कश्यप और देवी तिथि का दूसरा पुत्र हिरण्याक्ष। ओम देवाय नमः। और उसने मेरी तपस्या आरंभ की एवं उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि विवश हो मुझे दर्शन देना पड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स हिरण्याक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहिए? इतना ही वरदान दे दीजिए कि हिरण्याक्ष का वध ना कोई देव कर सके, ना दानव, ना गंधर्व कर सके, ना मनुष्य, ना मेरे प्राण कोई सुर हर सके, ना असुर। तथास्तु। अब समय आ गया है हिरण्याक्ष, तीनों लोकों पर विजयी अभियान का। वरदान पाकर वो दुष्ट एक पल भी नहीं रुका, पृथ्वी का हरण कर लिया। ये कैसा भयंकर आकार ले लिया इसने। रुक जाओ, हत करो ये अनर्थ हिरण्याक्ष, नहीं तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश, संपूर्ण सर्वनाश होगा, यही तो चाहता है हिरण्याक्ष। तभी तो होगा भजन बंद, यज्ञ बंद, और यज्ञ ही नहीं देवताओं की पुष्टि बंद। तब बलहीन देवता मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी। हास करोगी तो तुम्हारा ही हास होगा। ठीक, तुम यही चाहती हो तो बंधने के लिए तैयार हो जाओ। कहा था ना मैंने कि मुझे नहीं रोक सकोगी। अंधकार के अंत में धकेल दूंगा मैं तुम्हें, जहां कीचड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर देखता हूं कैसे स्वयं को बचाओगी तुम। इस प्रकार भूदेवी को अपने मायावी बंधन में बांधकर किसी अत्यंत अंधेरे स्थान में ले गया। अब पहुंचे उचित स्थान पर। हाँ।
अपना धरती पर कोई जीव रहेगा और ना ही भगवान का पूजन करने वाला। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हिरण्याक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। यदि शीघ्र कुछ किया न गया तो भूदेवी भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकेगी। हमें शीघ्र कुछ करना होगा प्रभु। तब तो हमारी सहायता एकमात्र प्रभु श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु प्रणाम प्रभु हरि नारायण। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। रक्षा कीजिए प्रभु, हिरण्याक्ष के आतंक से मुझे मुक्त कीजिए। तो क्या समय आ गया है प्रभु? अब वरुण लोक भी मेरा होगा। रुको, वरुण लोक पर अधिकार करना मुझसे युद्ध किए बिना संभव नहीं है। तुम्हारे ये बड़े बोल ही तुम्हारे सर्वनाश की आहट है। प्रभु, आपने ही मधु कैटब की मेदनी से मेरा निर्माण किया था, अब आप ही इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। वरुण देव, मेरा सामना करने की मूर्खता मत करो, क्षति तुम्हारी ही होगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी विकट समस्या है प्रभु श्री हरि नारायण। मेरे दिए हुए वरदान के कारण ना तो कोई मानव उसका वध कर सकता है, ना दानव और ना ही कोई देवता। मैं रोकूंगा तुम्हें। कर लिया प्रयास वरुण देव, मेरी शक्ति पर विश्वास हो गया तुम्हें? यदि उसे कोई मनुष्य, ऋषि मुनि और ना ही कोई देवता रोक सकता है, तो फिर कौन रोकेगा उस अधर्मी को? पश्वश। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, मेरी सहायता कीजिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा के लिए मेरे तीसरे अवतार का समय आ चुका है। उसका ये वरदान अब उसके लिए अभिशाप होगा। उचित है, अब मैं उसके अंत के लिए एक पशु के रूप में अवतार लूंगा। परंतु प्रभु, किसी साधारण पशु के लिए धरती को अधर्म के अनंत कीचड़ से निकाल पाना कहां संभव होगा? जो वारा कीचड़ में खेलने का आदि हो, उसके लिए यह कार्य तनिक भी कठिन नहीं होगा। हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, मैं आपकी नासिकाओं से अपना वारा अवतार लूंगा। प्रभु वाराह की, प्रभु वाराह की। धन्य है आप प्रभु हरि नारायण, मुझ पर कृपा करने के लिए, हिरण्याक्ष की दुष्टता से रक्षा करने के लिए। आप उस पशु का अवतार लेने से भी नहीं हिचकिचाए जिसे सदैव कीचड़ में ही विचरण करना पसंद है। यदि भूदेवी इस अंधकार के तल तक पहुंच गई तो वो सदैव के लिए खो जाएगी। मैं जानता हूं आपने ही मेरी रक्षा की है, आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। कौन था ये? किसका स्वर था? क्या छल रच रहे हो तुम देवता? लगता है अभी प्रभु श्री हरि नारायण की महिमा से परिचित नहीं हो तुम। कौन है ये हरि नारायण? बताओ कहां मिलेंगे ये हरि नारायण, जिसके अंक के साथ मैं काल के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो जाऊंगा। सावधान रहना हिरण्याक्ष, कहीं जो तुम सोच रहे हो उसके विपरीत ना हो जाए। अभी भी समय है हिरण्याक्ष, लौट जा वापस। बस वरुणदेव, तो साहस मत करो। जो मैं सुनना चाहता हूँ बस उतना बताओ, अन्यथा अपने ताप से जल तत्व को भाप बनाना जानता हूँ मैं। बताता हूँ। बोलो, शीघ्र बोलो, कहाँ है वो? वो पालनहार है, रक्षक है, वो अवश्य भूदेवी की रक्षा के लिए गए होंगे। बस अब हिरण्याक्ष ही इस हरि नारायण का वध करेगा।
क्या ये पशु, ये वाराही हरि नारायण है, विष्णु है? इससे युद्ध करने के पूर्व मुझे भूदेवी की रक्षा करनी चाहिए। विष्णु है तो बुआ करे, किंतु अब ये भी इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद भूमि के समान इसी में खो जाएगा। अब ये वो अंतिम कार्य था जो तुमने किया। अब इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद तुम्हारा जीवन भी लुप्त हो जाएगा। कोई हलचल नहीं है वहां। कहा था ना मैंने कि वरा भी इस अंधकारी कीचड़ में सदा के लिए खो जाएगा। अब कहो देवताओं, मेरे प्रकोप से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? असंभव को संभव बनाएंगे प्रभु वाराह। उत्तर दो मुझे देवताओं, इस महाब्रह्मांड पर विजय पाने से कौन रोक सकता है मुझे? कौन? किंतु अब मैं इसे बंदी बनाकर ही रहूंगा। इस पशु को इस दुस्साहस का परिणाम अवश्य भुगतना होगा। इसे रुको, कहां बड़े आ रहे हो? से कायर भागते हैं, युद्ध के लिए ललकार रहा हूं मैं। जो भी हो तुम, सामना करो मेरा दोस्त पशु वरा।
माया नहीं करूंगा। पृथ्वी को तुझसे छीन कर फिर अपना बंदी बनाऊंगा। आपका उचित स्थान तो सौर मंडल में ही है भूमि देवी। प्रभु, मेरी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पशु मिट्टी में रहने वाले मात्र एक बड़ा होकर इतना अहंकार। अब देखना, मैं तुम्हें धूल चटाकर भूमि को अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उसे अंधकारी कीचड़ में डाल दूंगा। तो रोक कर दिखाओ मुझे। तुमने किया किंतु इसका अंत मैं करूंगा। साधारण वरा में इतनी शक्ति कि मुझे रोक सके, असंभव है। यदि तुम सच में मेरा परिचय पाना चाहते हो तो ध्यान से देखो मुझे और पहचानो।
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदधानगम्यं। प्रभु तो अपने हर रूप में अत्यंत मनोहर है।